Hello guys and welcome to my channel Kajal Chaubey, and in this video we are going to learn about a new topic that is noun. आज के इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि वो क्या है और वो क्या है हमारा आज उस चैप्टर का क्या नाम है noun. Noun के बारे में आज हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है. तो noun को हम हिंदी में क्या कहते हैं? Noun को हम हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं. Noun क्या होता है? Noun का मतलब है संज्ञा. इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि नाउन क्या है, इसके क्या डिफिनेशन है, इसके कितने प्रकार के होते हैं. बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू हम पढ़ेंगे और समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो. नाउन, व्हाट इज नाउन? सिंपली अगर हम समझें तो क्या है, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड. नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड है. यहाँ पे नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, ये जो आपका नेमिंग वर्ड यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब है? नेमिंग वर्ड का मतलब है कि दुनिया में जिस चीज़ का भी नाम दिया गया है, जिसका भी नाम रखा गया है, वो सभी क्या है? नाउन है. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम नहीं है. ऐसी कोई भी चीज़ आप बता दीजिए जिसका नाम नहीं है. सब कुछ क्या नाम है? तो सब कुछ क्या है? नाउन है. दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका नाम है, इसलिए सभी की चीज़ क्या है? नाउन है. फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन, पेंसिल, बॉक्स एट्सेट्रा. अगर आप किसी प्लेस को ले लें उसका भी नाम है, थिंग को ले लें उसका भी नाम है, एनिमल का भी नाम है, मनुष्यों का तो नाम होता ही है, तो ये सब कुछ क्या है? नाउन है. ये था आपका शॉर्ट डेफिनेशन, ओके, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आसानी से समझने के लिए. लेकिन अब हम वो देखते हैं जो हम बचपन से पढ़ते और समझते आ गए. वो क्या है? वो है आपका, Noun is the name of a particular person, place, thing or animal is called noun. किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. ये हम बचपन से पढ़ते और रटते हुए आगे और समझ रहे हैं कि noun क्या है. Noun क्या है? Noun is the name of a particular person, place, thing or animal is called noun. For example, Delhi, box, dog, etc. ये सभी आपके क्या हैं? Noun हैं. अब नाउन को जो है उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. नाउन को कितने पार्ट में बांटा गया है? दो पार्ट में. पहला आपका है कॉन्क्रीट नाउन और दूसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, चलिए समझते हैं. कॉन्क्रीट नाउन, इट कैन बी टच्ड एंड ऑल्सो कैन बी सीन. इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम टच कर सकते हैं और इसको हम देख भी सकते हैं. यानी कॉन्क्रीट नाउन को छुआ और देखा जा सकता है. बल्कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट कैन नॉट बी टच्ड और सीन. इसे ना तो हम देख सकते हैं और ना हम छू सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. यानी कि ये जो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये फीलिंग्स को दर्शाता है. नाउन के अंदर जो फीलिंग्स होती हैं उसको दिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फीलिंग्स को कभी आप देख नहीं सकते, आप कभी उसे छू नहीं सकते, तो आपका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है. और जबकि कॉन्क्रीट नाउन को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. कॉन्क्रीट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन के अंदर क्या क्या आता है अब इसे हम देखते हैं. तो कॉन्क्रीट नाउन में आपका आ जाएगा, पहला आ जाएगा आपका कॉमन, दूसरा आ जाएगा आपका प्रॉपर, तीसरा आ जाएगा आपका कलेक्टिव और चौथा आ जाएगा आपका मटेरियल. ये सारे किस में आते हैं? तो ये सारे कॉन्क्रीट नाउन में आते हैं. कौन कौन आता है? कॉमन आ जाएगा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन. अब हम एक एक करके समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है, ओके. सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉमन नाउन क्या होता है. कॉमन नाउन, कॉमन नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसको संबोधित कर रहा है, किसी जाति को संबोधित कर रहा है, उसे ही हम क्या कहें? जाति. जाति मतलब कॉमन हो गया. तो इसका क्या डेफिनेशन है? इसका है, इट इज़ द नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल ऑफ द सेम काइंड. सेम काइंड यानी जो किसी एक ही जाति से बिलोंग करता हो. इन हिंदी, किसी एक ही जाति से यदि कोई व्यक्ति या वस्तु बिलोंग करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं. जब किसी एक ही जाति की बात आएगी, एक ही जाति की बात आएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे. यानी कि किसी सेम काइंड में आ जाए. किस में आ जाए? सेम काइंड.
सेम काइंड में आ जाए तो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाम क्या हो, क्या नाउन क्या होता है, ये ग्रुप को दर्शा रहा है, यानी कि जहाँ पर किसी ग्रुप की बात की जाएगी, समूह की बात की जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, ये इसे हम प्रॉपर नाम से ही पता चल रहा है कि व्यक्ति की बात की जाएगी इसमें, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये, और ये किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के लिए इसको संबोधित किया जाएगा, इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन क्या होता है, मैटेरियल मतलब होता है पदार्थ, यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा इसमें आपका क्या आ जाएगा, जो जितने भी पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या है, मटेरियल है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो कॉमन नाउन में आपका क्या आ जाएगा, कॉमन नाउन में आपका आ जाएगा वुमेन, सिटी, बुक, टेम्पल, ये सारे आपके कॉमन नाउन हो गए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में क्या आ जाएगा आपका, इसमें किसी विशेष को दर्शाना है, तो जैसे आपका दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, ये सभी आपके क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसमें किसी एक ग्रुप को दर्शाया जाता है, जैसे इसमें बहुत झुंड रहेगा, ग्रुप रहेगा। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया आपका बंच हो गया, क्राउड हो गया, टीम हो गया, भेड़ों का झुंड हो गया, ये सब आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और मटेरियल नाउन जैसे मैंने अभी बता दिया, मटेरियल नाउन में गोल्ड आ जाएगा, सिल्वर आ जाएगा, ये सभी क्या हो जाएंगे, मटेरियल नाउन हो जाएंगे। अब हम आगे समझते हैं नाउन। नाउन जो है आपका, इसे हम दो और पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। अभी हमने देखा है कि इसको कॉन्क्रीट में बांटा गया है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब नेक्स्ट है आपका, एक है आपका काउंटेबल नाउन और दूसरा क्या है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन यानी जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है। अब हम काउंटेबल नाउन के अंडर जितने भी चीज़ें आती हैं उसे हम समझेंगे। काउंटेबल नाउन में क्या क्या आ जाएगा, सिंगुलर, प्लूरल, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, ये सभी इसमें आते हैं। सिंगुलर यानी इसमें किसी एक को दर्शाया जाएगा, प्लूरल यानी समूह, एक से अधिक को दर्शाया जाएगा। प्रॉपर मैंने अभी आपको बताया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं तो वो क्या हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट हो गया और मटेरियल हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लिस्ट दिया है मैंने, और जो इसमें आपका लिस्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन के यहाँ पे मैंने लिस्ट दिए हैं, तो पहले हम उसे समझ लेते हैं। सो यहाँ पे आपका कुछ मैंने लिस्ट दिया है अनकाउंटेबल नाउन की, तो पहले हम उसे देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है आपका सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज़, एडवाइस, ब्रेड, लगेज, बैगेज। नेक्स्ट है आपका डस्ट, डस्ट, डर्ट, फ्लिथ, मनी, म्यूजिक, इक्विपमेंट, कॉस्ट, ग्रेटिट्यूड एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्या है आपका, वेस्टेज, पोस्टेज, ब्रेकेज, क्रॉकरी, पॉटरी, बेकरी, स्टेशनरी, ज्वेलरी, ग्रॉसरी, बिहेवियर, ये सभी आपके क्या हैं, मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया है अनकाउंटेबल नाउन की, और यही सब आपके क्या हैं, अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में हमने क्या समझा, आज की वीडियो में हमने नाउन की डेफिनेशन को पढ़ा है और समझा है, और उसमें देखा है कि क्या उसके पार्ट्स और काइंड्स होते हैं। जैसे हमने पहले सबसे पहले कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखा, और नाउन की डेफिनेशन को भी समझा है। फिर उसके बाद कॉन्क्रीट नाउन के अंडर जो आपके आते हैं, जैसे कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल, इनके बारे में समझा। उसके बाद हमने काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन को समझा है। फिर हमने अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट के बारे में देखा और समझा है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे नाउन को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जितने भी रूल्स होते हैं उसको एक एक करके बहुत अच्छे से हम डीप में समझेंगे, ताकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आते हैं उसे हम आसानी से, उसमें आने वाले कॉमन एरर को आसानी से हम समझ सकें। अभी मैंने यहाँ पे बेसिक नॉलेज दे दिया है, क्योंकि जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता होगा तब तक हम आगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।